हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1505। एक एपी दिया हुआ है, उस एपी के शुरू के 14 टर्म्स का अगर हम सम करते हैं S14, तो वो दिया हुआ है 1505। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म का वैल्यू बताया हुआ है ए इक्वल टू 10। फाइंड इट्स 25th टर्म, हमें 25th टर्म को कैलकुलेट करना है। तो S14 दिया हुआ है 1505, तो S14 हम लोग कैसे लिखेंगे, 14 अपॉन 2, 2a प्लस 14 माइनस 1d इक्वल टू 1505। एक्सपेंड कर देंगे Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये हो गया 7 और ब्रैकेट में a का वैल्यू हमें पता है, तो a के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 10 ये हो गया 20 प्लस 14 माइनस 1 13d इक्वल टू 1505। 7 को उधर भेज देंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 20 प्लस 13d इक्वल टू 1505 डिवाइडेड बाई 7, तो 20 प्लस 13d इक्वल टू 7, 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 10, 7 1 जा 355, बार में ये आ गया 205। 13d इक्वल टू 215 माइनस 20, तो 13d हो जाएगा 195, और d इक्वल टू 195 अपॉन 13, तो ये कट जाएगा 13 से 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो d का वैल्यू आ गया 15। हमें d का वैल्यू पता चल गया और a का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स 25th टर्म, तो काफ़ी इजी है ये। t25 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 24d, a के प्लेस पे 10 प्लस 24 इंटू डी के प्लेस पे आ गया 15, तो 10 प्लस 24 इंटू 10 रहता तो 240 हो जाता, 24 इंटू 5 120, 240 और 120 ये हो गया 360, ये आ गया 370। ठीक है, कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।